फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के जो हम देखेंगे मरूर की तरफ से न्यूज़, सऊदी मरूर स्पेसिफाइड द पीरियड ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इन सऊदी अरेबिया। सऊदी मरूर ने क्लियर बताया है कि स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। द जनरल डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक मरूर इन सऊदी अरेबिया रिवील्ड द स्पेसिफिक पीरियड फॉर यूजिंग ए रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल और फॉरन ड्राइविंग लाइसेंस इन द किंगडम। यानी आपका अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है रिकॉग्नाइज, आप सऊदी अरेबिया में उसको यूज़ करना चाहते हैं ड्राइविंग के टाइम, तो किस तरह से क्या है उसका प्रोसीजर, मरूर ने कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस केम इन रिस्पॉन्स फ्रॉम सऊदी मरूर आफ्टर इंक्वायरी फ्रॉम वन पर्सन हु आस्क व्हाट इज द एक्सटेंट टू विच द विजिटर कैन बी अलाउड टू यूज़ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक पीरियड फॉर यूजिंग इट। यानी आप कितने साल तक यूज़ कर सकता है और कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस सऊदी अरेबिया में, ये किसी ने जवाबात पे मरूर को सवाल पूछा था ट्विटर पर। सऊदी मरूर एक्सप्लेन दैट द पीरियड फॉर यूजिंग ए रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल और फॉरन ड्राइविंग लाइसेंस इज सेट फॉर वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विजिटर एंट्री इन टू द किंगडम। यानी अगर आप 1 जनवरी को आप सऊदी अरेबिया लैंड करते हैं तो तब से लेके एक साल आप पकड़ना होगा, तो तब तक आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में, ये मरूर ने कहा है। और द एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस वैलिडिटी पीरियड विच एवर कम्स फर्स्ट। तो आज के इस वीडियो में जितना ही था रिगार्डिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, क्या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं और इसका पीरियड क्या है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।